गुड मॉर्निंग 12th क्लास, आप पढ़ रही थी समकालीन दक्षिणी एशिया। तो हम यहाँ पर देख रहे थे, हमारा टॉपिक था भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। ठीक है, हम यहाँ पर देख चुके हैं हमारे बांग्लादेश के साथ मतलब कैसे रिलेशंस हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ नेपाल के बारे में देखा, और अब यहाँ हम श्रीलंका के साथ अपने रिलेशंस के बारे में, जो हमारे संबंध हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंध में। तनाव इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। आपको पता है वहाँ पर जो डोमिनेंसी है, वहाँ पर जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो सिंहली जातियों की है, और वहाँ पर जो तमिल जाति के लोग हैं उनकी अवहेलना की जाती है। उन्हें कोई रिजर्वेशन या कुछ भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कोई भी मतलब स्पेशल कुछ वो नहीं है उनका। तो इस वजह से मतलब जो जातीय संघर्ष है, इसकी वजह से श्रीलंका के साथ हमारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। जब तमिल आज़ादी जो है वह राजनीतिक रूप से नाखुश है और उसे मारा जा रहा है, तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव प्रतीत होता है। 1987 की सैन्य हस्तक्षेप के बाद भारतीय जो सरकार है वो श्रीलंका के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारतीय सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए। ओपन जो ट्रेड बैरियर्स हैं, इस पर सिग्नेचर हुए, ट्रेटी हुई इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए, और श्रीलंका में जब सुनामी में तबाही हुई थी तो उसके पुनर्निर्माण में जो सबसे ज़्यादा मदद भारतीयों के द्वारा ही की गई थी, या आप ये कह सकते हैं उस समय पे भारत और श्रीलंका एक दूसरे के काफ़ी करीब आए। फिर उसके बाद देखिए भूटान की बात करते हैं। भारत के भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों के गुरिलों और उग्रवादियों और गुरिलों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। इस हिमालय देश के विकास के कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत में हासिल होता है। मालदीव के साथ भारत के संबंध जो हैं वह सौहार्दपूर्ण गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया, और मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास तथा पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। आपने देखा होगा कि दक्षिणी एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों देशों के साथ भारत कई समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत का आकार बड़ा है, वह शक्तिशाली है, इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना भी लाजमी है। दूसरी तरफ जो भारत सरकार को अक्सर जो है महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजवाब फ़ायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों का इस क्षेत्र में प्रभाव जनाने में मदद मिलेगी। छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना जा रहा है। मतलब जो अन्य छोटे छोटे देश हैं वो भी भारत पर डाउट कर रहे हैं, और भारत भी मतलब अस्थिरता की सिचुएशन में आ गया है। वह भी पूर्णतः उन पर विश्वास नहीं कर सका है। दक्षिणी एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है, बल्कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों वे भूटान के आप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में आप्रवास के मामले पर मतभेद रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच जो हिमालय नदियाँ हैं उनकी जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। यह भारत सही इस इलाके के सभी बड़े झगड़े हैं। यह बात सही है कि जो बड़े झगड़े हैं वो किसके साथ हैं, भारत व उसके पड़ोसी देशों के बीच में ही हैं। इसका एक कारण जो है वह दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत जो है वह बीच में है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए शांति और सहयोग के लिए जो वार्ताएँ हुई उनके बारे में देखते हैं। क्या दक्षिणी एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं, या ये देश एक देश से सिर्फ लड़ते रहते हैं? अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुए हैं। दक्षेश की बात करें बेटा, दक्षेश की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, एस ए साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसिएशन,
फोर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, दक्षिणी एशियाई द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत जो है बेटा वो कब हुई थी, 1985 में हुई थी। दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षिण को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। दक्षिण के सदस्यों ने सन 2002 में दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर दस्तखत किए और इसे पूरे दक्षिणी एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया। यह दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार जो साउथ एशिया है, ठीक है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन के पीछे यह भावना काम कर रही है। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता 1 जनवरी 2006 को प्रभावी हो गया। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए। ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये जो एक दूसरे से टैक्स लेती हैं, तो इसको कम कर दिया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत अनेक बाजार में सींध मारना चाहता है, ठीक है, कि उनके बाजार में सींध मारना चाहता है और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र कि हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने की राजनीतिक मामलों पर सहयोग जो है वह ज़्यादा बेहतर होगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत भूटान नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी ख़त्म ना होने वाले झगड़ों और हिंसा की कहानी जान पड़ते हैं, फिर भी तनाव को कम करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं। दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट करते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों कि पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग खुले हैं, अब वीजा आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी अक्षेत्र हवा में नहीं होता, चाहे कोई भी अपने अक्षेत्र को गैर इलाकाई ताकतों से अलग करने की जितनी भी कोशिश करे उस पर भारी ताकतों व घटनाओं का असर पड़ता ही है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। विकास की ज़रूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए। सन 1991 के बाद इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए। शीत युद्ध के बाद दक्षिणी एशिया में अमरीकी प्रभाव तेज़ी से बढ़ा और अमरीका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए। वह भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए और उदार नीतियां अपनाई गई। इससे दक्षिण एशिया में अमरीकी भागीदारी जो है वह ज़्यादा गहरी हुई और अमरीका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। फिर भी इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी काफ़ी भारी भरकम है। इस कारण इस देश की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। बहरहाल दक्षिणी एशिया के संघर्षों की आशंका वाले देश के बीच में पहचाना जाता रहेगा अथवा यह एक क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुणधर्म तथा व्यापारिक हित एक हैं। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर है। क्लियर हो गया आपको इतना, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब नेक्स्ट इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।